नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है और मैं हूं ऋतु विष्ट। दोस्तों, हम रोज लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा और क्या लाभ दिलाएगा। साथ ही बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने खास कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होते हुए भी बेरोजगार रह जाता है। वो नौकरी के लिए जितना अधिक प्रयास करता है, उसकी कोशिश विफल हो जाती है। तो आज बेरोजगारी दूर करने के कुछ अचूक उपाय बताएंगे, साथ ही जानेंगे आज का आपका राशिफल। और इसे विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से हल कैसे निकालें आप, उसका उपाय, और इसके साथ ही आसान उपाय भी जानेंगे। और आप हमें इसके लिए कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स जो है लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कॉल करने के साथ ही आपको बस हमें यहाँ पर अपना नाम और जन्म की तारीख और साथ ही जन्म का समय भी बताना होगा। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। आइए अब पहले जान लेते हैं आज का राशिफल। कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, सितारों की चाल, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे बेरोजगारी दूर भगाने और एक मनचाही अच्छी नौकरी पाने की कुछ सिंपल से टिप्स। शुरुआत करते हैं पहले आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सोचे हुए जो काम है आज उनको पूरा करने के लिए आज का जो दिन है वो बेहद शुभ साबित हो सकता है। यू कैन गेट सम बेटर चांसेस, अच्छे अवसर आज आपको मिल सकते हैं, कुछ ऐसे चांस, कुछ ऐसे अवसर जिनसे आगे चलकर आपको लाभ होगा। आज के दिन के सफलता के लिए पीली हल्दी अपने पॉकेट में रखिएगा, पर्स में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, सकारात्मक रहिएगा, पॉजिटिव सोच के साथ चलिएगा, समय के साथ अपने आप को चलने दीजिएगा। ध्यान रखिएगा किसी भी तरह की गलत बयानी आज आपको समस्या में भी डाल सकती है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। जब भी आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज के दिन के सफलता के लिए छोटी कन्या को कुछ मीठा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो चीज आपके सामने नजर आ रही है उस चीज में, उस बात में, उसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है, तो वो जो चीज है, वो जो बात है, उसमें जो छिपा हुआ पहलू है उसको खोजने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान श्री हरि का पूजन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। और आइए अब कॉल ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बीकानेर से बिंदु जी जुड़ चुकी हैं। बिंदु जी, जानिए आपका सवाल क्या है और इससे पहले आप जन्म की जो तारीख है, जन्म का जो समय है और जन्म जो स्थान है उसकी जानकारी भी हमें दे दीजिए। बिंदु जी, आवाज आ पा रही है आपको? हाँ, हेलो जी, बताए बेटा क्या है, डेट ऑफ बर्थ बोलें। जय श्री कृष्णा पंडित। जय श्री कृष्णा बेटा, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, पहले भी पूछा था जी जी, पर वो सारे समाधान मैंने कर लिए हैं जी। आप तारीख बताएं। 9 अक्टूबर 1992। समय? दोपहर का ढाई बजे। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं इसके कैरियर के बारे में पूछना चाहती हूँ, ये एसएससी की तैयारी कर रहा है, आरपी एलडीसी की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है बिंदु जी, जहाँ तक आपके बच्चे का सवाल है, हमने आपको पहले भी बताया कि ये बच्चा जो है ये जीवन में एक राइजिंग फैक्टर बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करेगा,
उसका कारण ये है कि इसके दशम भाव में नौकरी के घर के अंदर बुध और शुक्र दोनों साथ बैठे हैं। बुध और शुक्र परम मित्र होते हैं और शुक्र स्वग्रही होकर दशम भाव में बैठा है, निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी का योग बनता है। भाग्य स्थान में सबसे जो शुभ ग्रह सूर्य और गुरु बुध की राशि के ऊपर बैठे हैं, भाग्य का भी पूरा साथ है। अब जो समस्या ये थी कि शनि की महादशा इस बच्चे को चल रही है, उसमें भी राहु का अंतर चल रहा था। पिछले 3 साल से मई 2015 से शनि की महादशा राहु का अंतर। राहु का काम है हर चीज़ के अंदर अड़चन लाना, रुकावटें लाना। तो वो जो एक नेगेटिव फेस था वो 23 मार्च 2018 को मार्च के महीने में 23 तारीख को वो ख़त्म हो गया। अब शनि की महादशा गुरु का अंतर शुरू हुआ है, उतरता शनि है, अंतिम पड़ाव पर है, तो निश्चित तौर पे अगले 2018 के पश्चात में जो भी रिजल्ट आ रहे हैं इस वर्ष या अगले वर्ष जो भी रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट इस बच्चे के फेवर में जाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, समय भी बहुत अच्छा है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में इस बच्चे को धारण करवा के रखें, क्योंकि शनि वक्री है तो कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत दे देता है। उसके साथ साथ में भाग्य को प्रबल करने के लिए इसके वेट के बराबर जितना इसका वजन है उस वजन के बराबर आपको गुड़ लेना है। और गुड़ लेके अभी वैसे भी अधिक मास चल रहा है, बहुत शुभ मास है, पास में जो भी गौशाला हो वहाँ चले जाइएगा और उस बच्चे के वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कर दीजिएगा, गायों को खिला दीजिएगा। निश्चित तौर पर आने वाला जो भी रिजल्ट है वो इस बच्चे के फेवर में जाएगा और हमारा शुभ आशीर्वाद आपके इस बच्चे के साथ है। तो चलिए, यहाँ पर बीकानेर से बिंदु जी ने यहाँ पर कॉल किया था और अपनी समस्याओं का समाधान उन्होंने यहाँ पर पंडित जी से जान लिया। तो चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रावत भाटा से मधु जी जुड़ गई हैं, अपने बेटे पवन के लिए यहाँ पर वो कुछ जानना चाहते हैं और उनकी राशि, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 27/7/1996 है और वक्त जो है रात के 8 बजे का है, माफ कीजिएगा 22/7/1996 है और समय जो है 8 बज के रात का, समाधान बताइए जी। पूछिए मधु जी, कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ, अच्छा बेटा, 27 जुलाई 1996 रात को 8 बजे 22 जुलाई 2022। हाँ, अच्छा, क्या जानना है बेटा? मेरे बेटे की शादी के भी योग बन रहे पंडित जी, उसके नौकरी के भी योग बन रहे। देखो मधु जी, जो सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चा जो है 18 साल की राहु की महादशा में से गुजर रहा है। सन 2003 से राहु की महादशा चल रही है, 2021 में जाके राहु की महादशा ख़त्म होगी। राहु की महादशा का राहु जो है वो इसके भाग्य स्थान में बैठा है, वो भी चंद्रमा के साथ में। जब राहु चंद्रमा के साथ बैठ जाता है तो चंद्र ग्रहण योग बन जाता है, तो इसके भाग्य में ग्रहण योग बना हुआ है जिसके कारण इसके हर काम में रुकावट आएगी, कोई भी काम इसका सीधा नहीं होगा। कहते हैं जीवन में भाग्य अच्छा तो सब अच्छा और भाग्य खराब तो सब खराब। अभी राहु की महादशा और शुक्र का अंतर चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में राहु की महादशा और सूर्य का अंतर शुरू होगा। मेरा अगर आप कहाँ माने तो अभी फिलहाल इतना बड़ा नहीं हुआ है बच्चा, अगर आप संभव हो 2 साल आप इंतज़ार कर लीजिए। 2 साल बाद में जब राहु में सूर्य का ग्रहण और राहु में चंद्रमा का ग्रहण खत्म हो जाए, सन 2020 में इसके विवाह के बारे में सोचिए, उससे पहले इसके विवाह के बारे में मत सोचिए। क्योंकि अगर उससे पहले अगर इसका विवाह करते हैं तो उस विवाह में सुख प्राप्त नहीं होता, इस विवाह के टूटने के भी चांसेस बनते हैं। राहु की शांति के लिए हर रविवार को आपके रावत भाटा के आसपास तो कोई अच्छा बांध और नदी भी होगी, वहाँ पर हर रविवार को मछलियों को बड़े खिलाने, व्हाइट उड़द की दाल के बड़े। मछलियाँ नहीं मिले तो भैरव जी के मंदिर में जाएँ, दाल की कचौरी दही मर्ती चढ़ाएँ, एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर धारण करवा लें और जब भी संभव हो तो उज्जैन जाके कालसर्प दोष की पूजा करवा दें। जहाँ तक कैरियर का जो सबसे बेस्ट समय है वो 2020 से शुरू होगा, जब गुरु की महादशा शुरू होगी, इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। तो आप निश्चिंत रहिए, अभी 2 साल जो है थोड़ा सा आप सब्र करिए, जीवन में इसको सब कुछ मिलेगा। बहुत छोटा, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, आप चिंता मत कीजिए, उम्र आने पर सब कुछ मिलेगा और समय आने पर सब कुछ मिलेगा। हमारा शुभ आशीर्वाद आपके बच्चे के साथ है। तो मधु जी, आपको अपनी परेशानी का हल यहाँ पर मिल गया है। आपने अपने बेटे के बारे में यहाँ पर सवाल जाना पंडित जी से कि शादी के लिए अभी समय जो है वो काफी बचा है, लेकिन आगे जो प्रगति करनी है उसके लिए क्या कुछ उपाय हैं वो आपको पंडित जी ने बता दिए हैं। अब वो उपाय जो है आपको उनको आगे यहाँ पर करना है। और एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, बयाबर से हमारे साथ सोनू जुड़ गए हैं और इनकी जन्म तारीख है 24/6/1992 और
जन्म का समय है 6:50 सुबह का। पंडित जी समाधान बताइए इनका, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। बोलिए बेटा सोनू, क्या पूछना आपको? मैं पूछ रहा था एक तो काम में बिजनेस में परेशानी आती है और ये भी शादी मेरी लव मैरिज हो रही है तो उसमें भी बहुत परेशानी चल रही है। देखो बेटा ऐसा है सोनू, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, सबसे पहला चीज़ तो यह है कि आपका जो जन्म है वो रेवती नक्षत्र के अंदर हुआ है। रेवती नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है, पैदा होते ही 27वें दिन इसकी पाठ पूजा होनी चाहिए। अपने माता पिता से पूछिएगा कि गणमूल नक्षत्र की पूजा करवाई थी या नहीं करवाई थी। नहीं करवाई है तो ब्यावर में जो भी योग्य आचार्य उसके निर्देशन में रेवती नक्षत्र की शांति करवाएं। शुक्र की महादशा आपको शुरू हुई है 2015 से। कभी भी कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देती है, तो शुक्र की महादशा और शुक्र का अंतर 2019 तक चलेगा। शुक्र वैसे भी आपकी जन्म कुंडली में अस्त है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दाम्पत्य भाव में सप्तम भाव में राहु बैठा है, वो भी गुरु के घर में। राहु जब गुरु के घर में बैठता है तो चंडाल योग बना देता है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख के अंदर कमी करता है, पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद करवा देता है। वैसे भी आपकी लव मैरिज है, लव मैरिज के बाद एक जनरल प्रॉब्लम ये देखी जाती है कि कहीं ना कहीं विवाह से पहले जो अंडरस्टैंडिंग होती है, विवाह के पश्चात में वो अंडरस्टैंडिंग बहुत कम बसती है। तो राहु की मादशा जो है वो आपके रिलेशंस को फ्लक्चुएट कर रही है। मेरा ये मानना है कि आपको एक तो अगर जहाँ तक नौकरी व्यापार की बात है तो अगर स्वयं का व्यापार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एक अच्छे सफल व्यापारी बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं। दाम्पत्य सुख की जहाँ तक बात करें तो हर रविवार को भैरव जी के मंदिर जाएं, दाल की कचौरी दही मरती चढ़ाएं और अभी फिलहाल किसी भी बात को बड़ा इशू मत बनाइएगा। 6 महीने और आपके मैरिड लाइफ को दीजिए, 6 महीने में सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिक्र की कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर यहाँ पर जुड़ गई हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ से सीमा है और ये भाई के बारे में जानना चाहती हैं। बोलिए सीमा जी, तारीख समय बताएं। 21 दिसंबर 1971। वापिस बोलें थोड़ा तेज। 21 दिसंबर 1971। 21 दिसंबर 1971। हाँ जी, शाम के 6 बजे चंडीगढ़। शाम को 6 बज के चंडीगढ़ में। हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी पंडित जी, ऐसा कि ये एक दो दिन में अभी ये झगड़े में पड़े हैं किसी के साथ, कुलदीप सिंह नाम है जिसके साथ झगड़ा हमारा पैसे का, तो ये लंबा खींचेगा ये जल्दी निपट जाएगा? देखिए जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है कि अभी इनकी जन्म कुंडली के अंदर जो है, वैसे भी अगर देखा जाए तो राहु चंद्रमा साथ में बैठा हुआ है। राहु चंद्रमा जब साथ में बैठता है तो ये ग्रहण योग करवा देता है। ऐसा ग्रहण योग कि व्यर्थ के कारण अपमान अपयश कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है और वही हालात के अंदर जो है ये बच्चा आ चुका है। तो कोर्ट कचहरी के जो हालात हैं अभी कम से कम हमें नहीं लगता है कि ये आजकल में फिनिश हो जाएगा, ये कम से कम 5-6 महीने ये मैटर लंबा चल सकता है। तो आप एक काम तो तुरंत प्रभाव से कीजिएगा कि रविवार के दिन काले कुत्ते को एक कचौरी के ऊपर थोड़ा सा दही डालकर खिला दीजिएगा। उसके साथ साथ में इनके वजन के बराबर गुड़ ले लीजिएगा, गौशाला में चले जाइएगा, गौ माता को खिला दीजिएगा जितना भी इनका वेट हो, और प्रार्थना कर लीजिएगा कि हमारे ब्रदर के ऊपर जो भी ये संकट आया है वो संकट दूर हो, और संभव हो तो घर में या पास में कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो वहाँ कम से कम 7 दिन का अखंड जोत जलाने जितना तेल का दान कर दीजिएगा, सरसों के तेल का दान कर दीजिएगा। भगवान ने चाहा, माता रानी ने चाहा तो बहुत जल्दी ये वापस भी बाइज्जत बरी होके आ सकते हैं। तो चलिए भाई के लिए उन्होंने जाना और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि के लिए। बात करते हैं कर्क राशि वाले जो हमारे दोस्त लोग हैं, आज सिचुएशन वैसी नहीं होगी जैसा आप सोच रहे हैं। अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को आज कम कीजिएगा और अपने उस ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिएगा, उस भगवान के ऊपर भरोसा रखिएगा, उस अल्लाह के ऊपर भरोसा रखिएगा। जो हो रहा है वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है। आज के दिन की सफलता के लिए गुड़ का सेवन करके घर से निकलिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने कामों में बेहद ईमानदारी रखिएगा, फायदा होगा। फोकस बनाए रखिएगा और अपने हार्ड वर्क में, अपनी मेहनत में कोई कमी मत आने दीजिएगा। हेल्थ सेक्टर में जरूर फ्लक्चुएशन दिखाई देगा।
आज के दिन के सफलता के लिए केले के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने दायरे से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी मंदिर के दरवाजे पर हल्दी और चंदन से स्वस्तिक बनाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। और एक जरूरी सूचना भी मैं आपको देना चाहूँगा, आप सभी दर्शकों की बेहद डिमांड के ऊपर आपका जो ये पसंदीदा कार्यक्रम है गुड लक टिप्स, सोमवार से सुबह 9:26 के ऊपर ये प्रोग्राम आएगा, तो आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि 7:30 की जगह अभी ये 9:26 पे सोमवार से चलेगा। तो इस कार्यक्रम के साथ जहाँ 4.5 साल से आप जुड़े हुए हैं, तो 9:30 यानी 9:26 पे भी आप अपना आशीर्वाद इस कार्यक्रम के ऊपर बनाए रखिएगा। तो चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।